दोस्तों, स्वागत है आपका एटी जेड कॉन्टी स्कूल में। आज की स्टोरी हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरह से बैलेंस शीट का ही पार्ट होता है। जैसे हमारी कंपनी को बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है, वैसे ही हमारी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी कंपलसरी होता है, कुछ एक कंडीशंस को छोड़ के। तो अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम तीन भागों में बांट देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस सभी के बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। इन तीनों को बना के देखेंगे कि कैसे बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। उस वीडियो को देख के आप बैलेंस शीट बनाना सीख सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग इसे बनाना होता है। जैसे मैं अभी 31 मार्च 2020 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो इसके साथ ही मेरे को 31 मार्च 2019 का डाटा भी साथ में डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे 31 मार्च 2019 का डाटा, पिछली जो हमारी बैलेंस शीट है, पिछला जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उससे मैं सारा डाटा यहाँ पे डाल देता हूँ। क्योंकि अगर मैं दोनों साल का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाऊंगा तो उसमें काफी टाइम लग जाना है। हम सिर्फ 31 मार्च 2020 का जो करंट ईयर का हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैसे बनता है वो हम बना के देखेंगे। 31 मार्च 2019 का डाटा मैं फटाफट डाल देता हूँ। दोस्तों, मैंने 31 मार्च 2019 का सारा डाटा यहाँ पे डाल दिया है। तो सबसे इसको क्या करना है, मैंने जो मेरी लास्ट ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट था उससे वहां से डाटा मैंने सेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है, आपको सिर्फ करंट ईयर का ही डाटा इसमें बनाना है। तो इसके लिए कैसे बनते हैं, सबसे पहले इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें तीन पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग बनाएंगे, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। तो जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो हमें सबसे पहले इसमें प्रॉफिट, यानी कि हमने जो भी प्रॉफिट्स कमाए हैं वो सारे हमें यहाँ पे दिखाने होते हैं, यानी कि हमने जो ऑपरेशन किया है हमारे बिजनेस में कितना कैश आया है। एक्चुअली क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जो मीन्स होता है उसका मतलब बिजनेस मैन यही जानना चाहता है कि जो मैंने कैश, जो प्रॉफिट्स कमाए हैं, जो मेरा कैश जनरेट हुआ है बिजनेस में कहाँ से आया और कहाँ पे मैंने यूज किया है, उसके पर्पज से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होता है कि जो भी हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं वो सारे यहाँ पे हम दिखाते हैं कि हमारा प्रॉफिट्स कहाँ से आया है और उसे हमें कहाँ यूज करें। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट यहाँ पे लिखना होता है कि नेट प्रॉफिट हमारा क्या है, जो हमें पीबीटी लेना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने लिख दिया है। उसके बाद जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से आपके कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आता, इसलिए हम उसको ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि वो पीबीटी में से ऑलरेडी मेंस है, तो उसको दोबारा से हम ऐड बैक कर देते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम हमारी आती है, यानी इंटरेस्ट इनकम एक तरह से हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से मेंस कर देंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाके इसको प्लस कर देंगे। तो इंटरेस्ट इनकम हमारी अदर इनकम का पार्ट होती है, इसलिए हम उसके नोट्स में जाके यहाँ से इसको मेंस यहाँ से कर देंगे। उसके बाद हम इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पे ऐड कर देंगे और जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वहां पे जाके उसको मेंस कर देंगे, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके यहाँ पे फाइनेंस जो हमारी उसको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगर आपकी कुछ पेरी पेरी की एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखानी होती है, मेरी कुछ नहीं है तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ और उसके बाद इसको टोटल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अभी हमने निकाले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले हमारे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है क्या कैश इनफ्लो आया है, तो वह है हमारा 2,88,219 रुपये हमने कैश जनरेट किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसमें जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इसमें हमें जो वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट है वो इसमें हमें यहाँ पे देना होता है। तो इसमें अगर हमारा स्टॉक बढ़ेगा तो हमें वो माइनस में आएगा, अगर कम हुआ है तो प्लस में आएगा, क्योंकि स्टॉक हमारा बढ़ता है तो इसका मतलब हमने ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ज्यादा कैश वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है। अगर हमारा स्टॉक कम होगा तो इसका मतलब वहां से हमारा कैश आ गया। ऐसे हमें सैलरी डेटर्स हमारे यहाँ है उसका भी सेम ऐसे ही करना है, और लोन शॉर्ट टर्म लोन एडवांस है उसका भी ऐसे ही करना है, बट लायबिलिटीज के केस में इसका उल्टा होता है। जब हम लायबिलिटीज हमारी बढ़ जाती है तो इससे वहाँ इसका हम मानेंगे हमारा कैश वहां से आ गया है, और अगर हमारी लायबिलिटीज कम हो गई तो
इसका मतलब हमने ज्यादा कैश वहां पे पेड कर दिया है, तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो हमें इसके लिए बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा और लास्ट ईयर के डाटे में से करंट ईयर का हमें मेंस करना पड़ेगा। तो यार 32,275 से यहाँ पे स्टॉक कम हो गया है, ऐसे ही मैं डेटर्स का करूँगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर मैं ऐसे ही बात करूँ करंट लाइबिलिटीज की, तो करंट लाइबिलिटीज में एसेट के बिल्कुल उल्टा है। करंट एसेट के अगर यहाँ पे लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो मेरा कैश बढ़ जाएगा, अगर मेरी लाइबिलिटीज कम होंगी तो वहां से मेरा कैश कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करंट ईयर की जो मेरी करंट लाइबिलिटीज का डाटा है उसमें से मैं लास्ट ईयर का डाटा मैच कर दूंगा। इसमें से मैं सारे मैच कर देता हूँ लास्ट ईयर का। मेरी 1,01,836 जो मेरी लाइब्रेरी है वो कम हो गई, यानी मैंने वहां पे कैश ज्यादा पेड कर दी। ऐसे जो हमारी वर्किंग कैपिटल की लिमिट थी उसका सेम ऐसे होगा। तो वर्किंग कैपिटल की जो मेरी लिमिट थी 26,339 से बढ़ गई है, इसलिए मेरे पास वहां से कैश आ गया है। अब मैं टोटल देखूँ मेरा कितना इफेक्ट यहाँ पे आया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, मैं यहाँ से सारा टोटल लगा दूंगा। अब मेरे कैश फ्रॉम ऑपरेशन से जो आया है 21,001 रुपये, यानी कि मैंने 21,001 रुपये ज्यादा आउटफ्लो मेरा ज्यादा हुआ है, मैंने ज्यादा यूज कर लिया, इतना मेरा इनफ्लो नहीं हुआ। इसके बाद इसमें से हम टैक्स को मेंस कर देंगे तो उसके बाद हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने जो टैक्स पेड किया है उसको हम यहाँ से मेंस कर देंगे तो हमारा आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दोस्तों हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट कर लिया है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो भी हमने कैश फिक्स एसेट में नई फिक्स एसेट परचेज की, हमने कुछ फिक्स एसेट सेल्स की या कुछ नई इन्वेस्टमेंट की, उससे जो इफेक्ट आएगा हमारा यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। और सबसे पहले हम बात करें फिक्स एसेट हमने अगर परचेज किया तो वहाँ पे हमारा कैश क्या चला गया है, तो उसको हम मेंस में लिखेंगे। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है, हमें बैलेंस शीट के जो हम शेड्यूल है वहाँ से हम इसमें लिखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमने शेड्यूल बनाया है यहाँ से हम इसको ले लेते हैं। ये कैसे बनता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है डेप्रिसिएशन के ऊपर कंप्लीट, उसको देख के भी आप इसके बारे में सीख सकते हैं कैसे डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनता है और कैसे कंप्लीट होता है। तो ये मैंने जो फिक्स्ड एसेट परचेज किए 1,15,178 मेरा कैश वहाँ पे चला गया है। इसी तरह मैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस बैलेंस शीट से लूंगा लास्ट ईयर में से करंट ईयर का मैच करूंगा। तो यहाँ पे मेरे 74,93 से लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस बढ़ गए, इसका मतलब मेरा कैश वहाँ पे चला गया है। ऐसे अगर हमने कुछ फिक्सेस पे सेल की होगी तो वो भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जो कि आपको फिक्सेस से रूल से पता लग जाएगी ये मेरी जीरो है। उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आपने सेल किए हैं तो प्लस में आ जाएगी, अगर परचेज किए हैं तो आपके यहाँ पे माइनस में आ जाएगी। इसलिए मैं इसको जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लास्ट ईयर में से करंट ईयर का मेंस कर देते हैं। इसलिए 94,911 से मेरी मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं परचेज किए हैं तो वहां पे मैंने कैश को इन्वेस्ट कर दिया। और इंटरेस्ट इनकम जो मैंने ऊपर मेंस की थी उसको हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो ऊपर मैंने मेंस इसलिए की थी क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं था, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट था, इसलिए वहां पे मैंने इसको मेंस किया था और यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे। तो उसके बाद मैं इसको का टोटल कर देता हूँ, तो मेरा आ जाता है यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,80,899 मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, 63,563 रुपये यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। तो अब तीसरे नंबर पे मेरा आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या है, जो भी हम मतलब फाइनेंस का एक्सपेंसेस पेड करते हैं वो सारा यहाँ पे आ जाता है। कुछ हमने लोन्स की रिपेमेंट्स किए हैं, शेयर कैपिटल को रिडीम किया है, नए शेयर इशू किए हैं, तो सारी एक्टिविटीज हमारी यहाँ पे आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो भी हमने इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस जो मेरे हैं वो मेरे यहाँ पे मेरे को मैनेज करने हैं। ऊपर मैंने प्लस किए थे क्योंकि वो मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट था और यहाँ से हम इसको मैनेज कर देते हैं मेरे, यानी यहाँ पे मैंने कैश मेरा चला गया। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स जो नए लोन्स दिए हैं वहाँ से जो आपके पास पैसा है
करंट ईयर में से लास्ट ईयर का डाटा मैनेज कर दोगे, उसको सेव किया अपने हिसाब का जो चेंजेस हुआ है। तो शेयर कैपिटल आपकी कम हो गई तो इसलिए मतलब आपने वहाँ पे पैसा जनरेट कर लेंगे। उसके बाद शेयर प्रीमियम या फिर कैपिटल रिजर्व आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, जो हमने लास्ट कल बैलेंस शीट में देखा था, इसमें से ये यह हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम इसको टोटल कर देते हैं। अब मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्या हुआ, 5,26,817 रुपये जो कैश है मेरे नया जनरेट हो गया। इसमें क्या कि जो फाइनेंस एक्सपेंसेस हमने पेड किए उससे 67,143, उसमें से मेरा कैश कम हो गया। उसके बाद हमने नए लोन लिए 5,93,000 से, वहाँ से मेरे पास कैश आ गया। और फिर शेयर कैपिटल मैंने कुछ रिडीम्ड किए थे शेयर अपने, तो वहाँ पर मेरा पैसा चला गया 92,369 रुपये। और मेरा जो कैपिटल रिजर्व इंक्रीज हुआ है वो गया 92,358 से, तो इसलिए मेरा 5,26,817 रुपये यहाँ पे नया जनरेट हो गया। अब मेरी जो मेरा तीनों मैंने यहाँ पे तीनों पार्टीज को बना लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट के। अब मैं तीनों का टोटल कर देता हूँ, और जो मेरा तीनों का टोटल आएगा, जो मेरा कैश का डिफरेंस होगा कैश एंड बैंक बैलेंस का, उससे मेरा मैच होना चाहिए, तो तभी मेरा कैश फ्लो टैली माना जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरा 63,000 मैनेज में गया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 2,80,000 मेरे मैनेज में गया था, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मेरा 5,26,000 से उसका आया। तो जो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम नेट मेरा इंक्रीज डिक्रीज में जो मेरा नेट कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है 1,82,355 से, यानी कि इसका मतलब है कि मेरे पास 1,82,355 से कैश बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा इतना कैश जनरेट होकर बिजनेस में आ गया है। अगर मैं बात करूँ ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरे पास, तो मैं यहाँ से ले लूंगा या फिर इसको बैलेंस शीट से मैं ले सकता हूँ। करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से 35,013। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस देखना है, क्लोजिंग बैलेंस आपका 2,17,300। इसलिए आप देखो कि आपका जो डिफरेंस है ये आपको इससे टैली आप देख सकते हैं, 1,82,355 और 1,82,355, वहां से आपका जनरेट हुआ उतने से आपका कैश बढ़ गया। तो इसलिए आपका बिल्कुल ये टैली होना चाहिए, तो तभी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट माना जाता है। तो एक बार मैं आपको इसका फिर से रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग में हमने क्या करना होता है, जो हमारा प्रॉफिट बिजनेस से कमाए हैं सारे प्रॉफिट आ जाते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल से जो हमारी एडजस्टमेंट है वो सारी हमें यहाँ पे दिखानी होती है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे जो हमने फिक्स एसेट परचेज किए हैं सेल किए हैं उससे जो हमारी कैश जनरेट हुआ है वो सारा यहाँ पे आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो हमने लोन से लिए हैं शेयर कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हुई है सारा उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा। और जो मेरा नेट इंक्रीज डिक्रीज आएगा वो मेरा टैली होना चाहिए, जो मेरे कैश का ओपनिंग बैलेंस था वो क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस है उससे। ओके दोस्तों, थैंक यू।